नमस्कार दोस्तों, सॉल्यूशन अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और आज हम बात करने वाले हैं वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड को कैसे आपस में लिंक करते हैं और इसे करना क्यों ज़रूरी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पैन कार्ड और आधार कार्ड को आपस में लिंक करना ज़रूरी हो गया था एज़ पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। और जैसे कि आपको पता है, अब लाइसेंस भी जो है अब आधार कार्ड से ऑथेंटिकेट होके ही बनते हैं, तो इसी तरह अब जो है वोटर आईडी कार्ड को भी अब ऑथेंटिकेट किया जा रहा है आधार के थ्रू। हम वोटर आईडी कार्ड को भी कहीं ना कहीं आधार कार्ड की तरह अब यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हो चुका है आधार कार्ड, तो इसे जो है अब लिंक करना ज़रूरी हो गया है। तो किस तरह से आप जो है इसको लिंक करेंगे, इस वीडियो में आपको आखिर तक बताया जाएगा, तो बने रहिए इस वीडियो में। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो चैनल है एक इन्फॉर्मेटिव चैनल है, जहाँ पर आपको तरह तरह के इन्फॉर्मेटिव और जो काम की जो आपके काम की जो वीडियोज़ हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। जैसे कि आप वीडियो में यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर आपको जो है कई सारी आपके जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी और आप यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और सबसे पहले आपको इस चैनल पर आने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को जरूर दबाना पड़ेगा, तो प्लीज़ आप बेल आइकन को जरूर दबाइए और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पर nvsp.in पर हम यहाँ पर आ चुके हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह का एक इंटरफेस आएगा। जैसे आप इस साइट को ओपन करेंगे और यहाँ पर नीचे की तरफ आप यहाँ पर लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन आएगा। यदि आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं इस वेबसाइट पर तो आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। और रजिस्टर कैसे करते हैं या नया वोटर आईडी कार्ड आप कैसे अप्लाई करते हैं, तरह से आप नया वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करते हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर ये वाला वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप जाइए इसको चेक कीजिए, इस वीडियो को देखिए, तभी आप इस पर जो है आसानी से रजिस्टर कर पाएंगे। तो फिलहाल हम जो है रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो हम सीधा लॉग इन करते हैं। यहाँ पर लॉगिन करने के लिए हमें यूज़र नेम पासवर्ड डालना होगा और कैप्चा डालकर हमें लॉगिन करना होगा। यूज़र नेम में हमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना होता है और जो हमने पासवर्ड बनाते हैं रजिस्ट्रेशन करते समय वो हमें पासवर्ड डालना होता है। तो चलिए हम सबसे पहले इसे लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करते ही आपको इस तरह से कुछ इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे आपको इस तरह से ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको डाउनलोड एपिक का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो फिलहाल जो है हम इंफॉर्मेशन ऑफ आधार नंबर बाय एग्जिस्टिंग इलेक्टोर, यानी कि यहाँ पर हमें जो है अपना आधार की इंफॉर्मेशन हमें जो जो हमारा वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है उसमें हमें यहाँ पर लिंक करना है, तो इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी एक तरफ हमें जो है फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर जो है PDF दिया गया है। आप PDF को प्रिंट करके चाहे तो आप जो है ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको फॉर्म 6B दिख रहा होगा, यहाँ पर आप जो है क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको जो है जो भी डिटेल्स होंगी आपके वोटर आईडी कार्ड की वो यहाँ पर शो हो जाएंगी, आपका नाम, आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर, यहाँ पर डिटेल्स जो है शो हो जाएंगी। उसके आगे फिर आपको जो है यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स में नीचे की तरफ जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और यहाँ पर आपको जो है अपना आधार नंबर डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप जिस भी प्लेस में, यानी कि जहाँ पे भी आप रहते हैं, दिल्ली में, मुंबई में या जो भी आपका स्टेट है वहाँ पर आप जो है स्टेट का नाम डाल सकते हैं और ऑटोमेटिकली यहाँ पर डेट आ जाएगा। और यहाँ पर ये वाला कैप्चा डालकर आप जो है प्रीव्यू कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसे फिल करने के बाद। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो है फिल कर दिया फॉर्म और इस तरह से आपका जो है प्रीव्यू शो हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पर जो ये आपको प्रिंट वाला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आप जो है प्रिंट भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे प्रिंट नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट जो है यहाँ पर आप सबमिट भी कर सकते हैं। और सबमिट करते ही आपको जो है एक रेफरेंस नंबर आएगा, आप उस रेफरेंस नंबर को जो है NVFS की वेबसाइट पर जाके ही आप ट्रैक कर सकते हैं। तो वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ आप कैसे ट्रैक करेंगे। दोस्तों, जैसे ही आप NVSP की वेबसाइट पर आएंगे यहाँ पर आपको ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का एक ऑप्शन शो हो रहा होगा। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी रेफरेंस नंबर होगा वहाँ आपको डाल के ट्रैक स्टेटस करना पड़ेगा। और अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है या कंप्यूटर नहीं है तो आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी ये कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ मोबाइल पर ये आपको किस तरह से करना है।
तो सो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम प्ले स्टोर पर आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, और यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन दिखा होगा वाटर हेल्पलाइन के नाम से। इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने प्ले स्टोर से। उसके बाद आप जब क्लिक करेंगे ओपन, तो आपको वाटर हेल्पलाइन का ये ऐसा शो होगा, और उसके बाद आपको यहाँ पर आई एग्री का एक ऑप्शन देगा नीचे की तरफ, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपको जो है नेक्स्ट का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको इंग्लिश, हिंदी, ये जो लैंग्वेज है, जो भी आपको लैंग्वेज समझ में आती है, आप वो लैंग्वेज चूज़ कर लेंगे। उसके बाद गेट स्टार्टेड पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आ रहा होगा वोटर रजिस्ट्रेशन का। आप जब इस पर क्लिक करेंगे, तो आपको ये इस तरह से वोटर सर्विसेज की जो भी सर्विसेज हैं इस ऐप के थ्रू, वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। आप यहाँ पर इलेक्ट्रोल ऑथेंटिकेशन फॉर्म 6B, ये जो नीचे की साइड दिख रहा है, यही है जो हमें आधार से लिंक करना है, जिस फॉर्म को हमें फिल करना है, वो यही फॉर्म है, फॉर्म 6B। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आपके पास से यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए। तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर एंटर करते ही आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, जो वहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे की तरफ आपको एक यहाँ पर पासवर्ड बनाना होगा इस एप्लीकेशन को लॉगिन करने के लिए। इन फ्यूचर अगर आप जब कभी इंस्टॉल करते हैं, तो आपको जो है पासवर्ड इसमें मेंशन करना होता है लॉगिन करने के लिए। तो पासवर्ड आपको बनाना पड़ेगा अल्फान्यूमेरिकल, जैसा आपको ठीक लगे पासवर्ड आप बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लॉगिन नाउ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ही आपको फिर से आपको जो है मेन पेज आ जाएगा इस एप्लीकेशन में। उसके बाद आपको फिर से ही वहीं पर जाना है वोटर को, उसके बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है इलेक्ट्रॉन ऑथेंटिकेशन फॉर्म 6B पर। दोबारा से क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इस तरह से शो होगा, हेलो माय नेम इज वोटर मित्रा। आपको यहाँ पर नीचे की तरफ लेट्स गेट स्टार्ट पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर डू यू ऑलरेडी हैव वोटर ID नंबर, मतलब कि ये पूछ रहे हैं कि आपके पास कोई वोटर ID नंबर है, तो आप यस करके आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए और आगे फिर बढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर जब आप जैसे क्लिक करेंगे, फिर आपको यहाँ पर वोटर ID नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पर वोटर ID नंबर अपना मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, आपको फर्स्ट डिटेल्स पर क्लिक करना पड़ेगा और प्रोसीड करना होगा। जैसे ही आप प्रोसीड कर देंगे, आपके डिटेल्स इस तरह से कुछ शो हो जाएंगे, और आपका जो भी नाम, जेंडर वगैरह, जो भी सब आपकी जो डिटेल्स होंगी, आपके वोटर ID के नंबर के थ्रू ओपन हो जाएंगे, और आप उसको वेरीफाई करके फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ही आपका जो फॉर्म 6B ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर अपना नाम और जो एपिक नंबर है आपका, वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, और नीचे की तरफ यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है, जिससे आपको वोटर ID कार्ड लिंक करना है। तो यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे और डन कर देंगे। आधार नंबर डालते ही आपको नीचे की तरफ यहाँ पे आपको और कुछ और ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल ID अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं। और यहाँ पे आपको प्लेस डालना है, दिल्ली, मुंबई, UP, जो भी आपका है प्लेस, वो आप डाल सकते हैं। और डन पे आप जब क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आगे की तरफ आएंगे, आपके आपको फॉर्म 6B का एक प्रीव्यू शो होगा। यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स वेरीफाई कर लीजिएगा, और डिटेल जब आपको ओके लगते हैं, तो आप कंफर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। कंफर्म करने के बाद आपके पास एक जो है रेफरेंस ID आ जाएगी। ये रेफरेंस ID आपको जो है नोट डाउन कर लेना है, ताकि आप इसका जो स्टेटस जो है आप ट्रैक कर सकें। तो आप इस रेफरेंस ID को आप जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको ये रेफरेंस ID के थ्रू आपको एप्लीकेशन ट्रैक करनी है, तो कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आप नीचे की तरफ जब आएंगे यहाँ पर एक्सप्लोर पर, यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे, एक ऑप्शन होगा यहाँ पर स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन। इस पर जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको शो होगा एंट्रेंस रेफरेंस ID का जो एक कॉलम है। आपने रेफरेंस ID यहाँ पे आपने नोट डाउन किया था, वही आपको रेफरेंस ID यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पर ट्रैक स्टेटस पर जो है इस पर क्लिक कर देना है। अगर ट्रैक स्टेटस करने के बाद आपकी जो डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाएंगे, जो भी आपने फॉर्म अभी फिल किया है, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पर कुछ भी डिटेल्स शो नहीं होती हैं, तो आप अपने क्रोम ब्राउजर में जा सकते हैं मोबाइल के। उसके बाद यहाँ पर आपको क्रोम ब्राउजर में ये वाली वेबसाइट खोल लेनी है, nvsp.in, ठीक है। nvsp.in पर जब आप जाएंगे, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर जाना है, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, ठीक है। ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर जब आप जाएंगे, तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। आपको जो है यहाँ पर अपना जो रेफरेंस ID वो आपको डाल के ट्रैक कर लेना, सिंपल। तो इस तरह से आपकी जो है यहाँ पे डिटेल्स शो हो जाएगी, जो भी आपने फॉर्म फिल किया है उसका
स्टेटस यहाँ पे शो हो जाएगा। सो इस तरह से आप अपना मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी आप ये फॉर्म 6B जो कि आधार से वोटर आईडी कार्ड को लिंक करने के लिए है, आप ये यहाँ से फिल कर सकते हैं। सो आई होप आपके वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और कमेंट करके ज़रूर बताइए जो भी आपका सवाल हो, और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं हमें। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।